लॉन्च हुआ था, जब जस्ट लॉन्च हुआ था जिस दिन, उसी दिन के आसपास दिन में एक मतलब पोस्ट डाला था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि भाई रियलमी एक्स टू में नेटफ्लिक्स वर्क नहीं कर रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग, स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू वीडियो में। गाइस, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था, आज सुबह में भी कमेंट किया था, कुछ लोग इंस्टाग्राम में भी बोल रहे थे और कुछ मैंने ट्विटर्स के जो पोस्ट है वहाँ पे देखा कि भाई रियलमी एक्स टू में नेटफ्लिक्स काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाते हो और जाके सिंपली सर्च करते हो नेटफ्लिक्स के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नेटफ्लिक्स है ही नहीं प्ले स्टोर में। जैसे कि पबजी नहीं है, वैसा नेटफ्लिक्स भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को लेकर भाई बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लाइक हमारा रियलमी एक्स टू बेकार हो चुका है, रियलमी एक्स टू लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, 20,000 बर्बाद। मुझे पता है भाई 20,000 बर्बाद, मैं भी ये चीज आप लोगों के साथ सहमत हूं, क्योंकि भाई रियलमी एक्स टू में जो रैम मैनेजमेंट है उसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं 4-5 हज़ार का डिवाइस यूज कर रहा हूं। क्या ही बताएं आप लोगों को, कुछ ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है। पर जो नेटफ्लिक्स वाला इशू है उसके बारे में मैं आज आपकी इस वीडियो में कुछ बताना चाहता हूं। ये वीडियो आप वो लोगों के लिए तो काफी अच्छा होगा जो लोग नेटफ्लिक्स के बारे में सोच रहे हैं या कॉन्टेंट को देखते हैं, या वो लोग कहीं और प्लेस से नेटफ्लिक्स को अगर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर कोड जेनरेट हो रहा है। तो इसके बारे में आज कुछ बात करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को शायद काफ़ी अच्छा लगेगा, जो लोगों को ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ साथ ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सको। सबसे पहले कुछ मेन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बात करूँ मेरे रियलमी एक्स टू की, तो मेरे रियलमी एक्स टू में भी सेम हालत है, मतलब सेम कंडीशन है। मुझे यहाँ पे कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है जो कि पोको M3, इसमें नेटफ्लिक्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और उसके साथ साथ जहाँ तक बात करें, काफ़ी मेरे ऑफिस में और काफ़ी लोगों का मोबाइल्स थे, वहाँ पर भी मैंने नेटफ्लिक्स सर्च करके देखा तो वहाँ पर भी नेटफ्लिक्स काफ़ी आराम से काम कर रहा है और नेटफ्लिक्स हो रहा है और उसको डाउनलोड करके हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर रियलमी एक्स टू में नहीं हो रहा है। अब मैंने ये जो चीज़ है, ये चीज़ रियलमी एक्स टू को छोड़ के बाकी जो रियलमी के डिवाइस है वहाँ पे ट्राई की। मेरे पास रियलमी 2 है, उसमें भी ट्राई किया और उसके साथ साथ कुछ लोगों के पास रियलमी 6 प्रो था, कुछ लोगों के पास ये था, कुछ लोगों का वो था। तो वहाँ पे कुछ रिसर्च करते करते, कुछ लोगों से पूछते पूछते मेरे सामने एक ये चीज़ निकल के आई कि भाई रियलमी 6 में जो अर्ली एक्सेस आए थे, आप लोगों को पता होगा कि अर्ली एक्सेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मतलब एक हो गया, उसके बाद एक अपडेट हो गया, उसके बाद एक और अपडेट हो गया, ऐसे ऐसे करते अर्ली एक्सेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इन दैट केस रियलमी 6 में भी एक अर्ली एक्सेस के अंदर आप लोगों को ये नेटफ्लिक्स वाला इशू देखने को मिला था, पर आफ्टर लेटेस्ट अपडेट ये चीज़ एकदम फिक्स हो गया है। अभी नेटफ्लिक्स काम कर रहा है, नेटफ्लिक्स रियलमी 6 में यूज़ हो रहा है। तो ये एक बग से सिंपली, ये ऐसा कोई मतलब कुछ बड़ा कुछ नहीं हो गया कि भाई यहाँ पे मतलब दिक्कत हो जाएगी, हम फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। ये चीज़ काफ़ी आराम से हो जाएगी और काफ़ी ईजिली आपके फ़ोन में फिक्स हो जाएगी नेक्स्ट अपडेट में, मतलब जब हमारे पास ओपन बेटा रिसीव हो जाएगा। तो ये तो एक मेन केस। तो इस चीज़ को और अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने गया ट्विटर पे। अब ट्विटर में जाने के बाद मैंने सर्च की नेटफ्लिक्स ऑन रियलमी एक्स टू। अब ये जब टैग लिख के मैंने सर्च किया, आप लोग भी सर्च कर सकते हो नेटफ्लिक्स ऑन रियलमी एक्स टू ऑन ट्विटर। जब ये आप सर्च करोगे तो आपको नमन भाई की, मतलब जो हमारे एंड्रॉयड वाले चैनल है, आप लोग उनको तो पहचानते ही होंगे, उन्होंने आज से काफ़ी दिनों पहले, मतलब जब जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, जब जस्ट लॉन्च हुआ था जिस दिन, उसी दिन के आसपास दिन में एक मतलब पोस्ट डाला था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि भाई रियलमी एक्स टू में नेटफ्लिक्स वर्क नहीं कर रहा है। तो मतलब ये कुछ ऐसा बात नहीं है कि कुछ अभी हुआ है, ये पहले से ही हो रहा था। ये रियलमी की जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, उसकी इशू है। अब रियलमी वापस सॉफ्टवेयर अपडेट देखिए ये फिक्स कर देगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और भी अच्छे से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ये सेम इशू आ रहा है, लाइक नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है, तो आप भाई जाओ रियलमी कम्युनिटी में और जाके बग रिपोर्ट करो कि भाई हमें नेटफ्लिक्स चाहिए, हमारे पास सब्सक्रिप्शन थे, ये थे, वो थे, वो लोग ज़रूर नेक्स्ट अपडेट में उसको डाल देंगे। जो जो बग्स आपको देखने को मिल रहा है वो बग्स के बारे में आप बग रिपोर्ट करते रहो, क्योंकि आप एक अर्ली एक्सेसर हो। तो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो नेटफ्लिक्स वाला इशू था लोगों के माइंड में चल रहा था, ये मैंने थोड़ा सा फिक्स कर दिया है आप लोगों के माइंड से। अब नेक्स्ट अपडेट आने का ही वेट करते हैं। कल 24 तारीख है, आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख है। तो 24 तारीख को रियलमी का 8 एंड 8 प्रो लॉन्च हो जाएगा। तो मतलब रियलमी के हेड से वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो
निकल जाएगी। अब उसके बाद जाके हम लोग को अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब मैं सारी कुछ आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हो तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ एप्लीकेशन वगैरह आई तो मैं खुद ही वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।